सभी को ओम। आज हम गौमुख आसन के बारे में बात करेंगे। द काउ फेस पोज। गौ, इंडिया में गौ का मतलब गाय होता है। मतलब इसको अगर देखें तो वो काउ जिसको बोलते हैं। मुख का इंग्लिश अर्थ होता है फेस, इसलिए काउ फेसिंग पोस्चर इसको बोला जाता है। अभी इसको करते कैसे हैं वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। आप अपने नीज को इस तरह से अरेंज करेंगे कि आपका राइट नी आपके लेफ्ट नी के ऊपर आएगा। आपका जो लेफ्ट हील है वो आपके राइट हिप के नीचे आएगा, और जो आपका राइट हील है वो आपके लेफ्ट हिप के नीचे आएगा, और राइट नी आपके लेफ्ट नी के ऊपर रहेगा। उसके बाद जो नी ऊपर है उस हाथ को हम ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ बेंड करेंगे। जो पैर नीचे हैं उसको हम नीचे से निकालेंगे और इस तरह से हम आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा राइट नी ऊपर है तो मेरा राइट एल्बो भी ऊपर है, मेरा लेफ्ट नी नीचे है तो मेरा लेफ्ट एल्बो भी नीचे है। अभी मैं इस तरह से ऊपर की ओर देखूंगा आंखें बंद करके या आंखें खोल के। सांसों को सामान्य कर दूंगा। तो ये है गौमुख आसन में जाने का तरीका। अभी हम समझते हैं कि गौमुख आसन इसको क्यों कहा जाता है। तो अगर हम गाय को देखें तो गाय का बिल्कुल शेप इसी आसन के जैसा लगता है, या हम ये कहें कि इस आसन में जब हम आते हैं तो हम बिल्कुल गाय के जैसे दिखते हैं। गाय का अगर हम माउथ देखें, उसके अगर जॉ देखें, मतलब उसके टीथ वगैरह देखें, अपर जॉ लोअर जॉ देखें, तो ये हो गया अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ, ये हो गए उसके कान, ये कान हो गए उसके, ठीक है, और बाकी ये जो पूरा पोर्शन है वो उसका फ्रंटल फेस जो होता है वो हो गया। इसीलिए इसका जो ऋषियों ने ऑब्जर्वेशन किया तो वो एक गाय के जैसे दिखता हुआ ये शेप लगा, इसीलिए इसका नाम गौमुख आसन दिया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से मैं गया। अभी मैं आपको एक और बार करके दिखा दूंगा कि आपने अभी अपना लेफ्ट नी ऊपर रखा राइट नी के, आपने अपना लेफ्ट हील राइट हिप के पास रखा और राइट हील लेफ्ट हिप के पास रखा, इस तरह से पीठ सीधी रखी। अभी जो घुटना ऊपर है वही कोहनी मैं ऊपर ले गया, जो घुटना नीचे है वो वाली कोहनी मैंने नीचे से निकाली पीछे की तरफ, और पीछे दोनों को मैंने हाथों को बांध दिया और मैंने ऊपर की ओर देखने की कोशिश करी। आंखें बंद या आंखें खुली, सांसों को सामान्य कर दें। अभी मैं इसको आपको एक बार पीछे से भी करके दिखा देता हूँ कि ये पीछे से किस तरह से दिखता है। आपको पीछे से हाथों को इस तरह से रखना है कि आपकी दोनों हाथ की उंगलियाँ इस तरह से मिली रहेगी, पीठ सीधी रहेगी और आप सामने या ऊपर की ओर देखेंगे। तो ये मैंने आपको पीछे की तरफ से करके दिखाया और मैंने आगे की तरफ से करके दिखाया। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं वो हम देख लेते हैं। होता ये है कि जब हम इस तरह से आप अपने पैरों को रखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि आपके जो हिप जॉइंट्स हैं, आपके जो साइटिका नर्व्स है, आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस सब पे स्ट्रेच आ रहा है या फिर उस पर कहीं ना कहीं कंप्रेशन आ रहा है। कुल मिला के बात यह है कि उस पर कहीं ना कहीं एक्टिवेशन हो रहा है, या तो कंप्रेशन या स्ट्रेच का। तो जब इस तरह से होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ एक्टिवेट हो रही है, या तो आपकी साइटिका वो एक्टिवेट हो रही है, वेरिकोस वो एक्टिवेट हो रही है,
आपके हिप जॉइंट वो एक्टिवेट हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ये सब एक्टिवेट हो रहे हैं। तो बेनिफिट इसकी क्या रहेंगे? बेनिफिट इसकी ये रहेंगे कि जिसको भी हिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको भी साइटिका रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको भी पेट से रिलेटेड जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यू है, वो कोई किसी को दिक्कत है, या रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं वो किसी को दिक्कत है, तो उनके लिए ये आसन बहुत ही बेस्ट आसन है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सीवियर कंडीशन में है, जैसे आपको वेरिकोज है, या साइटिका में एक्सेस अमाउंट में पेन है, या कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आप इसको ना करें, पहले आप उससे ठीक हो जाएं, उसके बाद ही इसको करेंगे। लेकिन अगर आप इसको रेगुलर में करते हैं, तो ये आपके घुटने, आपके हिप बोन, आपके थाइज, आपके साइटिका, हैमस्ट्रिंग, इन सब को मजबूत बनाता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को मजबूत बनाता है, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को मजबूत बनाता है, आपके जेनेटिकल पोर्शन को पूरे को मजबूत बनाता है। तो ये था गौमुख आसन के बारे में कुछ बातें। ओम।